2015 में अप्रैल फुल डे के दिन न्यूजीलैंड के BMW ने एक एडवर्टाइजमेंट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी पुरानी कार ले आइए और एक ब्रांड न्यू BMW कार को घर ले जाइए। सभी ने सोचा ये तो एक प्रैंक है, लेकिन एक लेडी ने ऐसा नहीं सोचा। वो अपनी पुरानी कार लेके स्टोर में गई और एक ब्रांड न्यू BMW कार लेकर अपने घर पहुंची। यानी ये एक रिवर्स अप्रैल फुल जोक था। 1937 में एक फुटबॉल मैच हो रहा था, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज्यादा फॉग था, इसलिए 15 मिनट के लिए गेम को रोक दिया गया। लेकिन वहाँ पे जो गोलकीपर था उनको किसी ने बताया ही नहीं, और वो 15 मिनट तक ऐसे ही हाथ फैला के खड़े रहे बॉल को रोकने के लिए। जर्मनी में एक बार एक ऐसा कपल था जिनके आपसी प्रॉब्लम्स की वजह से उनका डिवोर्स हो गया था। उसके बाद कहे अनुसार हस्बैंड ने लिटरली अपने सारे चीजों को दो हिस्सों में बांटकर आपस में ले लिया, जैसे कि गाड़ी, टीवी, लैपटॉप, टेडी बियर, बाइसाइकिल, बेड, चेयर और फोन भी। टर्की का ये लाइब्रेरी काफी ज्यादा खास है, पता है क्यों? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर्स ने इस लाइब्रेरी को बनाया है, उन किताबों से जिनको लोगों ने ट्रैश समझ के फेंक दिया था। अब इस इमेज को देखिए, ये दरअसल सैनिटाइजर बॉटल्स है। आप देख सकते हैं कि इसका प्राइस कितना अलग रखा गया है। कोरोना के वक्त डेनमार्क में एक्चुअल में ऐसा किया गया था, ताकि लोग एक साथ ज्यादा सैनिटाइजर बॉटल्स को ना खरीदे और दुकान से ये आउट ऑफ स्टॉक भी ना हो जाए।